नमस्कार, मैं हूं अंजू रुकानिया, रेडियो हिंदुस्तान से आपकी मित्र आरजे अंजू। आज मैं आपके लिए एक मूवी रिव्यू लेकर आई हूं। एक ऐसी मूवी, यानी कि वो एक वेब सीरीज़ है जो 2011 में एक केस हुआ था, उसके बाद बनी थी। तो उस मूवी के बारे में मैं इसलिए बात करना चाहती हूं कि ये मूवी, जो ये फिल्म है, ये हर किसी को देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस फिल्म के बारे में ज़्यादा ना बात करते हुए चलती हूँ इसके विषय पर कि इस फिल्म का नाम है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। जी हाँ, इस फिल्म में एक माइग्रेंट इंडियन मदर की उस पीड़ा को दिखाया गया है कि उसके दोनों बच्चों को नॉर्वेजियन सरकार जो है फॉस्टर होम में डाल देती है, ये ब्लेम लगाकर, ये आरोप लगाकर कि वो अपने बच्चों को अच्छे से नहीं पाल रही है, उन्हें अच्छी परवरिश नहीं दे रही है। उनके हिसाब से बच्चों को हाथ से खिलाना, साथ सुलाना, दही खिलाना और उनकी बातों को ना समझ पाना उनके अच्छे माता पिता होने का सबूत नहीं देती। और इसकी कहानी कुछ इस तरीके से है, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है जो कि सागरिका चक्रवर्ती की है, सागरिका भट्टाचार्य चक्रवर्ती, जो कि जिसने एक जियोफिजिस्ट यानी कि अनुरूप भट्टाचार्य से शादी की थी 2007 में, और उसके बाद वो उसके साथ नॉर्वे चली गई थी। और जब उसे फर्स्ट इशू होने वाला था तो वो वापस कोलकाता आ जाती, अपने बच्चे को जन्म देती है और एक साल वहाँ रहती है। और उसी दौरान उसे ये पता चलता है कि उसका बच्चा, जिसका नाम अभिज्ञान होता है, वो ऑटिज़म का शिकार है। फिर उसकी एक देखभाल अकेले ढंग से ना कर पाने के कारण फिर वो वापस नॉर्वे अपने पति अनुरूप के पास चली जाती है, और वहाँ दोनों मिलकर उसका लालन पालन तो करते हैं, लेकिन ऑटिज़म वाले बच्चों के साथ बहुत मुश्किलें आती हैं, इसलिए वो लोग उसे वहाँ पर उसे कुछ अच्छी तरह उसको डिसिप्लिन सिखाने, सारी चीज़ सिखाने के लिए एक फैमिली चाइल्ड केयर में डालते हैं। उसी समय सागरिका होती है, उसे फिर से इशू होने वाला होता है, उसे एक बेटी होती है ऐश्वर्या, और उसके बाद उसकी मुश्किलों का दौर और ज़्यादा शुरू हो जाता है। हालांकि वो पूरा अपना 100% देती थी, लेकिन फिर भी थोड़ी मुश्किलें तो आती है, और जब बच्चा नॉर्मल ना हो तो और ज़्यादा आती है। एक माँ को कितनी तकलीफ़ होती है ये बात तो हम सभी समझ सकते हैं। लेकिन इसी दौरान उसके पति को, अनुरूप भट्टाचार्य को, एक नोटिस आता है कि आप अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से नहीं कर रहे हो। और फिर कुछ दिन बाद नॉर्वेजियन चाइल्ड वेलफेयर केयर से दो महिलाएं आती है उनके घर पे, और उनके बच्चे कैसे पालने चाहिए उन्हें सिखाने लगती है। तो वो लोग भी उसके साथ फेमिलियर हो जाते हैं, सीखते रहते हैं, सागरिका जो है वो सब सीखती है। तो इस रोल को निभाया जाता है रानी मुखर्जी द्वारा, जो एक मंझी हुई अभिनेत्री है, और उसने अपने इस किरदार को सार्थक किया, क्योंकि वो जो दो महिलाएं आती है सेंटर से बच्चों का लालन पालन कैसे किया जाता सिखाने, कुछ ही दिनों बाद वे उनके बच्चों को ये कहकर ले जाती कि घुमाने ले जा रहे हैं, और फिर वो लोग उसे लेकर ही नहीं आते दोनों बच्चों को, और फॉस्टर होम में डाल देते हैं। उसके बाद से सागरिका की जो कष्टदायक यात्रा शुरू होती है, वो अपने बच्चों के लिए कानून से लड़ती है, नॉर्वेजियन सरकार से लड़ती है, और अपने देश से मदद मांगती है, कोर्ट से मदद मांगती है। तो ये उसका संघर्ष था जो इस फिल्म में दिखाया गया। और इस रोल को निभाया देविका चौधरी बनकर रानी मुखर्जी ने, और उसने एक माँ की पीड़ा को, हर क्षण अपने बच्चे के लिए जो तड़प बेचैनी है, उसके आंसू है, वो इतनी अच्छी तरह उस रोल को निभाया कि वो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। बाद में तो उसके पति और पति का परिवार भी उसके खिलाफ हो जाता, वो अकेले लड़ती है नॉर्वेजियन सरकार से। जी हाँ, तो ये फिल्म हम सभी को देखनी चाहिए। इस फिल्म में जो विषय है लड़ाई का, संघर्ष का, वो ये है नॉर्वेजियन सरकार का। हर देश का अपना एक कल्चर होता है मित्रों, और यूरोप में तो हर जगह कांटे छुरी चम्मच से खाने का रिवाज है, इंग्लिस्तान में, हमारे यहाँ तो नहीं है। तो
हमारे यहाँ जो चीज़ की जाती है हमारे बच्चों को पालने के लिए वो वहाँ के लिए गलत है। लेकिन इससे हम गलत तो नहीं हो जाते हैं? क्या बच्चों को हाथ से खिलाना गलत है? क्या उन्हें अपने साथ सुलाना जब वो छोटे हों तो गलत है? वहाँ पाश्चात्य संस्कृति में तो बच्चों को पैदा होने के बाद से ही कॉट में अलग सुलाया जाता है और उसमें एक अलार्म लगा दिया जाता है कि बच्चा कब सुसु करता है, कब रोता है, तो अलार्म बजता है तो माँ बाप उठ के अपने बेडरूम से बाहर आते हैं, वरना बच्चा अलग सोता है या उसके लिए आया होती है। लेकिन हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है ना, तो उन लोगों को ये लगता है कि उनका नज़रिया अलग है, दृष्टिकोण अलग है। लेकिन इससे हमारी परवरिश पे सवाल जो उन्होंने उठाए वो सही तो नहीं हो जाते हैं। और एक ऑटिज़म के शिकार बच्चे के साथ में कई तरह की मुश्किलें होती है। वो ठीक से बोल नहीं पाता, अपनी समस्याओं को, उसे जो तकलीफ़ हो रही है वो समझा नहीं पाता। हाँ, हालांकि एक माँ अपने बच्चे की पीड़ा को समझ तो पाती है, लेकिन जब तक वो बोलता नहीं तो पूरी तरीके से नहीं समझ पाती ना, उसे भी समय लगता है। तो इसीलिए ये सब सारी चीज़ें उस फिल्म में दिखाई गई है। और नॉर्वेजियन सरकार साथ नहीं देती उस महिला का। और जो सागरिका चक्रवर्ती जो हैं भट्टाचार्य, तो उसकी ये रियल लाइफ स्टोरी है, उसके ऊपर उसने एक किताब लिखी थी। और इसकी जो निर्देशिका है छबीसी जी, उन्होंने इस फिल्म को बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया और मुझे लगता है हर पहलुओं को बहुत अच्छे से उभारा है, दिखाया है, ताकि दर्शकों को जज करने का मौका मिले कि जो फिल्म में दिखाया गया है वो सही है या नहीं। तो मैं यही कहूँगी कि हर देश की अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक सभ्यता है, तो उसका मान सम्मान करना चाहिए। लेकिन विदेशों में जहाँ इस प्रकार की संस्थाएं होती है, जैसे नॉर्वेजियन चाइल्ड वेलफेयर केयर जो एक संस्था है, उसी तरह की संस्थाएं होती है जो इन सब चीज़ों को गलत मानती है और फिर वो बच्चों को अपने साथ ले जाती है और उनका लालन पालन अपने तरीके से करती है। बायोलॉजिकल मदर को वो वापस नहीं करते बच्चे, और वहाँ भी उसके साथ यही होता है। देविका चौधरी जो बनी रानी मुखर्जी, उसके साथ यही होता है। और वो अंत तक लड़ती है और लड़ते लड़ते वो भारत भी पहुंच जाती है अपने बच्चों के लिए, जहाँ अंत में उसे न्याय मिलता है। 2 साल बाद वो अपने बच्चों को अपने साथ ले पाती है। तो ये एक माँ की कहानी है। तो इस तरह की वेब सीरीज़ें काफ़ी अच्छी बनती है। 2015 में एक तलवार बोल के भी वेब सीरीज़ थी, वो बहुत अच्छी आई थी। इसलिए कुछ वेब सीरीज़ ऐसी होती हैं जो हमें अवश्य देखनी चाहिए। इस फिल्म में जिस विषय को उठाया गया है उस विषय का हमें सम्मान करना चाहिए और हमें अपने देश, अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, जो कि बहुत आवश्यक है। क्योंकि विदेशों की संस्कृति से हमारी संस्कृति भले ही अलग हो, लेकिन मानवता दृष्टिकोण तो सब जगह एक ही होता है, ह्यूमैनिटी, जिसे उस वक्त नॉर्वेजियन सरकार ने नहीं समझा, जो कि समझना चाहिए था। आज हमारे देश में क्या किसी विदेशी का बच्चा इस तरह उठा कर वॉशर रूम में डाला जाता है? नहीं, लेकिन वहाँ ऐसा ही कुछ होता है। इसलिए इस चीज़ों को, इस विषय को जो निर्देशिका है फिल्म की, उठाकर एक ऐसी समस्या समाज के सामने लाई है जो पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। तो 2007 में जब इसकी जो जो वास्तविक नायिका है सागरिका, उसका विवाह होता है और वो नॉर्वे जाती है, उसके बाद ही उसके साथ ये सब होता है। और अंत में उसके पति का परिवार और उसके पति उसके खिलाफ हो जाते हैं, वो बिल्कुल अकेली हो जाती है। लेकिन इस फिल्म में इतना कॉन्फिडेंस दिखाया गया उस महिला के अंदर, जो कि वास्तविकता में जो है सागरिका के अंदर था, जिसे रानी मुखर्जी ने जिया उस किरदार में, वो काबिले तारीफ है, आपको अवश्य देखना चाहिए। तो अब मैंने आपका बहुत समय ले लिया है, अगली बार मैं फिर कोई ऐसी फिल्म आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी इसका विषय, ताकि आप उसे अवश्य देखें। तो चलूँगी, फिर से मिलूँगी आपसे जल्दी कोई नई फिल्म लेकर। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। नमस्कार।